ACL लिगामेंट हमारे घुटने का बहुत जरूरी लिगामेंट होता है, जिसके टूटने से हमें चलने में दिक्कत आती है, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दिक्कत आती है, हमारे घुटने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। ACL लिगामेंट के टूटने को ACL टियर कहते हैं और इसके ऑपरेशन को ACL रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। हम ACL रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी ऑल इनसाइड ग्राफ्टिंग टेक्निक से करते हैं, जिसमें किसी भी स्क्रू या पेच का यूज नहीं किया जाता। हम ग्राफ्ट को दोनों साइड से टाइटेनियम के छोटी डिस्क से फिक्स कर देते हैं। ऑल इनसाइड टेक्निक में टनल्स का साइज, जो हम हड्डी में छेद करते हैं ग्राफ्ट डालने के लिए, उनका साइज कम होता है और आपके नए ग्राफ्ट के साथ एक फाइबर टेप ग्राफ्ट को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जिससे नए ग्राफ्ट की ताकत 4 गुना हो जाती है। इससे मरीज को जल्दी रिकवरी मिलती है, वह जल्दी चलना फिरना, बिना छड़ी के जल्दी चलना फिरना शुरू कर सकता है, सीढ़ियां चढ़ना जल्दी शुरू कर सकता है और अपनी पहले वाली एक्टिविटीज को शुरू करने में मरीज जल्दी सक्षम हो जाता है। ACL लिगामेंट हमारे घुटने का एक बहुत ही जरूरी लिगामेंट होता है। इसके टूटने से हमारे घुटने की स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। ACL टियर ज्यादातर मरीजों में खेल कूद के समय, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान, किसी एक्सीडेंट के दौरान, घुटने को ट्विस्टिंग इंजरी की चोट लगने के कारण होता है। ACL टियर के लक्षण होते हैं घुटने में दर्द रहना, घुटने में सोजिश आ जाना, सीढ़ी चढ़ते समय, सीढ़ी उतरते समय घुटने में इंस्टेबिलिटी की फीलिंग आना, अपने घुटने पे कॉन्फिडेंस ना आना और तेज चलने या भागने दौड़ने में दिक्कत आने के कुछ लक्षण होते हैं। ACL टियर के कुछ किस्म होते हैं, पार्शियल ACL टियर या टोटल ACL टियर, कंप्लीट ACL टियर। पार्शियल ACL टियर फिजियोथेरेपी से रिकवर होना हो सकता है, कंप्लीट ACL टियर बिना सर्जरी के ज्यादातर केसेस में रिकवर नहीं होता है। ACL टियर की सर्जरी को ACL रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ACL रिकंस्ट्रक्शन में हम मरीज के लिगामेंट्स में से ही निकाल कर एक नया ग्राफ्ट बनाते हैं और उसको नॉर्मल ACL ग्राफ्ट की जगह पर फिक्स कर देते हैं। हम यहाँ पर ऑल इनसाइड ग्राफ्टिंग टेक्निक से ACL रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें किसी भी स्क्रू का यूज नहीं करते और टाइटेनियम की छोटी डिस्क के साथ इसको बोन में फिक्स कर दिया जाता है। ज्यादातर मरीज ACL रिकंस्ट्रक्शन के बाद वापस अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी को शुरू कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के सलाह के मुताबिक। ACL टियर को अगर हम इग्नोर करते हैं तो हमारा घुटना जल्दी खराब हो सकता है, हमको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत बहुत जल्दी पड़ सकती है, हमारे बाकी लिगामेंट जो घुटने के अंदर होते हैं वो एट रिस्क होते हैं, उनमें चोट लगने की संभावना ज्यादा होती है। ACL टियर के डायग्नोसिस के बाद इसकी सर्जरी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवानी चाहिए, ताकि बाकी लिगामेंट्स को कोई डैमेज ना हो। ACL रिकंस्ट्रक्शन के तुरंत बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। जैसे जैसे रिकवरी होती है, जैसे जैसे हमारे घुटने के ऊपर कॉन्फिडेंस वापस आता है, जैसे जैसे ग्राफ्ट अच्छी तरह फिक्स होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को फिर से हम शुरू कर सकते हैं। ACL रिकंस्ट्रक्शन के बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ महीनों के बाद ही शुरू करने की सलाह दी जाती है। ACL ग्राफ्ट में फाइबर टेप के इनकॉर्पोरेशन से नए ACL ग्राफ्ट की ताकत 4 गुना हो जाती है, जिससे रिकवरी में मदद मिलती है। ACL टियर ज्यादातर एक्सीडेंट के दौरान या खेल कूद के दौरान, जैसे कि कबड्डी फुटबॉल में गिरने के कारण, ट्विस्टिंग इंजरी के कारण होता है। ACL लिगामेंट के टूटने से हमारे घुटने के बाकी लिगामेंट्स भी एट रिस्क होते हैं। ACL लिगामेंट टूटने से हमें चलने में दिक्कत आ सकती है, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दिक्कत आ सकती है। मैं सबको यही सलाह देना चाहूंगा कि अपने घुटने की तकलीफ को, घुटने के दर्द को अनदेखा ना करें।
अपने डॉक्टर से मिले, एक सिंपल एक्सरे या एक सिंपल एमआरआई से एक डायग्नोसिस कंफर्म करें और एक्सरे स्टेजिंग के मुताबिक अपना इलाज जल्द से जल्द करवाएं।